दोस्तों मार्केट में तो बहुत खतरनाक फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पर आ रहे हैं, बट हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ़ोन्स की जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेंड लेकर आए थे और आज भी ट्रेंड इनका चल रहा है। जी हाँ, बात करने वाले हैं Realme C35 स्मार्टफोन के बारे में। वैसे तो हमने Realme C35 को बहुत ज़्यादा यूज किया है, मतलब डेली लाइफ में तो नहीं बट हाथ में यूज करके देखा है, लेकिन आज हम पर्सनली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एकदम बॉक्स सील पैक है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में क्विक रिव्यू और क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं कि आपको डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन जो 10 से 11 हज़ार 12 हज़ार की प्राइस में क्या स्पेक्स आपको देने वाला है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम जल्दी से इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। और आप इस वीडियो को तब तक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस समय हम आपके लिए ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आ रहे हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे स्मार्टफोन भी रखे हैं बॉक्स ओपन करने के लिए और रिव्यू देने के लिए आपको। तो चलिए सबसे पहले इसको हमने ओपन कर लिया है, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक केस हमको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो सिम ट्रे इजेक्टर टूल एंड साथ में कुछ पुस्तकें भी दी गई हैं जिनको हम साइड से रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे फ्री टाइम में जब व्यूज़ नहीं आएंगे। अभी व्यूज़ आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। तो ये हमारे स्मार्टफोन निकल कर आता है ग्रीन कलर में, काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। साथ में एक यहाँ पर टाइप सी अडाप्टर है, USB टाइप सी, मतलब ये 18 वाट के आसपास का चार्जर है, मतलब आपका फ़ोन स्मार्टफोन एक घंटे डेढ़ घंटे के आसपास ये चार्ज कर ही देगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सबको रखते हैं साइड से बॉक्स में और बात करते हैं अपने स्मार्टफोन पर। तो ये है हमारा स्मार्टफोन और कुछ इस तरीके का ये निकल के आता है बॉक्स के बाहर, सॉरी पॉलीथीन के बाहर से। तो यार रियली में C35 इतना हैंड यूसेज देखने में लग रहा है, मतलब तभी लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते थे Realme C35। ये आप देख रहे हैं और पीछे एकदम आईफोन लाइक डिज़ाइन दी गई है, या फिर हम कहें किसी एकदम ज़बरदस्त स्मार्टफोन की डिज़ाइन यहाँ पर दी गई। और मैं एक बात कहूँगा कि डिज़ाइन के ही पैसे आई थिंक यहाँ पर पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फ़ोन खुद से भी खड़ा हो सकता है और इसकी जो डिज़ाइन है पीछे ग्लास टाइप की यूज की गई है और ग्लास ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। अगर आप केवल ऐसे करके पकड़ेंगे तो आई थिंक 10-12 हज़ार रुपये में आप वो सारी चीज़ें दिखा पाएंगे जो आप एक पब्लिक सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं। 50 मेगापिक्सल का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग दी गई है। बाकी अगर हम आगे एक साइड बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और आगे भी यहाँ पर कैमरा दिया गया है। चलिए चेक करते हैं सबकी क्वालिटी पर, बाकी ओवरऑल लुक आप देख रहे काफ़ी ज़बरदस्त है। और साइड वाइज बात करते हैं तो एकदम फ्लैट डिज़ाइन दी गई है, जहाँ पर आपको की दिखना चाहती है वॉल्यूम की अप एंड डाउन, एंड साथ में यहाँ पर स्क्रीन ट्रे इजेक्टर इस साइड में देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में यहाँ पर आपको ये पावर की साथ में एक पावर की बटन ही मिल जाती है, हो सकता है ये फिंगरप्रिंट भी आपका ले ले। तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है ये स्मार्टफोन। चलिए इसको हम पहले बूट करते हैं और बात करते हैं इसके ओवरऑल डिटेल्ड और रिव्यू के बारे में। दोस्तों वैसे तो स्मार्टफोन एकदम ऑल सेट है, मैंने एकदम ज़बरदस्त सेट कर लिया और कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अंडर 1 मिनट के आसपास सेट कर सकते। मैंने सारा कुछ यहाँ पर फिंगर अनलॉक और फेस अनलॉक भी लगा लिया, पासवर्ड भी लगा लिया। अगर हम फिंगर अनलॉक की बात करते हैं तो ये है मेरी फिंगर सॉरी थंब हमने लगाया, तो जैसे मैं यहाँ पर टच करते हैं इस तरीके से देख रहे हैं खुल जाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं आपसे इसकी फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट जो है थोड़ा फास्ट तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट फ्लैट डिज़ाइन की वजह से एकदम सही जगह पर जो है फिट नहीं हो पाता है, बिल्कुल एकदम फिंगरप्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम फेस अनलॉक की अगर बात करते हैं, फेस अनलॉक भी काफ़ी ठीक है और सही से वर्क कर रहा है, बट ओपन करने के बाद मैंने एक जो चीज़ यहाँ पर नोटिस की है वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, कि यहाँ पर उन्होंने ये स्पॉन्सर्ड ऐप दिए गए हैं जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हैं। लाइक हम बात करते हैं अगर जोस ऐप की या डेली हंट की या फिर शेयर चैट की या फिर ये जो मौज टाइप की ये ऐप्स दिए गए थर्ड पार्टी ऑप्शन, ये मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगे। तो इनका आप चाहो तो क्लीन भी कर सकते हैं ईजी से, अनइंस्टॉल जाकर इन्हें कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ईजी से आप नोटिस इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स को हटा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं Realme C35 स्मार्टफोन के UI के बारे में, तो UI इनका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 4GB रैम के साथ 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको अराउंड 11 हज़ार की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग जो है वो 11 से 12 हज़ार रुपये होती है। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक या फिर फ्लिपकार्ट पे जो भी कार्ड वगैरह आप यूज कर सकते हैं, वो आपको प्राइस अलग से डिस्काउंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो पीछे से डिज़ाइन तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। और हम बात कर लेते हैं इसके अंदर भी,
अंदर कैसा होने वाला है स्मार्टफोन। तो डिस्प्ले जो है ओवरऑल अभी मुझे देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, बट एक बार मोर इसको यूज़ करेंगे थोड़ा तो हमें और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कि यूआई के बारे में तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रहा है स्मार्टफोन। तो दोस्तों इस फ़ोन को हमने काफ़ी देर यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने जब तक इसकी ओवरऑल क्वालिटी को चेक नहीं कर लिया है, और मैं आपके एक रिव्यू के लिए एक अभी स्टैंड हूँ, मतलब अगर मैं बात करता हूँ इसके रिव्यू की तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरऑल व्यू की। ये जो फिजिकल व्यू है इसमें ये फ़ोन आउट ऑफ लेवल कह सकते हैं आप, 10-11 हज़ार रुपये या फिर 12 हज़ार रुपये तक का अगर आप खरीदते हैं उस प्राइस में ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त फील देता है अगर आप हाथ में इसको पकड़ते हैं। एकदम फ्लैट डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और धोखे धड़े में इसको कोई आईफोन भी कह सकता है, मतलब कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, वो 100% आईफोन भी कह देगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि गलती करेगा, नहीं गलती नहीं करेगा, बिकॉज ये आईफोन जैसा लुक ही देखने लगता है। बट थोड़ा थोड़ा कैमरे जो हैं वो बड़े हैं, अगर ये कैमरे थोड़े छोटे होते और पास पास कर दिए जाते तो कैमरा जो है वो पूरा आईफोन जैसा हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इनके नीचे ग्रिल्स की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.5 की जैक है, नीचे टाइप सी है, साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन है, और यहाँ पर आपको साउंड ग्रिल देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड एकदम फ्लैट है, और बात करते हैं अगर प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रोफोन, तो दोनों माइक्रोफोन आपको नीचे साइड ही दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्वालिटी की, तो सबसे पहले हमने इसमें कैमरा चेक किया है, मुझे इसमें फिंगरप्रिंट से लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत या कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी मैंने एक बार वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी चेक की, दोनों काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं। प्राइस में 6.6 इंच फुल एचडी की जो डिस्प्ले आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स आते हैं, और ब्राइटनेस वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक, अगर आप फुल पर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक आपके लिए एकदम बिल्कुल यूज़फुल रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा के सैंपल जहाँ तक हमने चेक किए हैं तो कैमरा में मुझे कुछ थोड़े बहुत इशू लगे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं ये मैक्रो लेंस से फ़ोटो ली गई है, ये मैक्रो से हमने क्लिक किए फ़ोटोज़, बाकी यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ और भी क्लिक किए हैं, लाइक ये हमने क्लिक किया है पोर्ट्रेट से, तो पोर्ट्रेट इसने नहीं लगाया है, कभी कभी कुछ फ़ोटोज़ में इसने पोर्ट्रेट जो है वो नहीं लगाए हैं, बाकी ये जो पोर्ट्रेट वाले फ़ोटोज़ हैं, और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये भी पोर्ट्रेट वाले फ़ोटो हैं जो कि बिहाइंड द लाइट आपने यूज़ किया है, आप लाइट के अगेंस्ट जब आप यूज़ करेंगे फ़ोटो इस तरीके आपको क्वालिटी देखने में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ और हैं जो कि हमने लिए बैक कैमरे से, और ये बैक कैमरे में जो पोर्ट्रेट वाला कैमरा है ये 12 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आप बात करते हैं जो मुझे एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम लगी है, इसमें हमने ये जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक किए ये हमने बैक कैमरे से यानी कुछ इस तरीके से फ़ोन को पकड़ के क्लिक किए, बिकॉज अगर हम इस तरीके से सेल्फी लेने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप पोर्ट्रेट फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाएंगे, नॉर्मल फ़ोटो केवल आप क्लिक कर पाएंगे, और नॉर्मल फ़ोटो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आती है जो कि एकदम काफ़ी ठीक ठाक है, शायद 8 या 10 मेगापिक्सल के आसपास इसका कैमरा होने वाला है, मैंने नहीं देखा है आगे का कैमरा, मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोटो क्वालिटी है या यूज कह सकते हैं आप, यूज एंड थ्रू लाइक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह थोड़ा डार्क कर देता है एरिया वगैरह। बाकी अगर हम बात करते हैं बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे मुझे 50 मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक लगा है, बहुत ज़बरदस्त फोटोज आते हैं 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है। बाकी ये एक सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि सेल्फी में हम पोर्ट्रेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, पोर्ट्रेट में आप किसी प्रकार का सेल्फी वाला ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं केवल बैक कैमरे वाला ऑप्शन आता है। तो कैमरे के मामले में ठीक है, बट आप ओनली कैमरा के पर्पज़ इसको परचेस नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके ओवरऑल अगर डिज़ाइन की, तो आप इसमें ओवरऑल डिज़ाइन प्लस इसका जो परफॉर्मेंस है साथ में जो बैटरी बैकअप है वो भी अराउंड ठीक है। और बात करते हैं डिस्प्ले वगैरह की, तो इन सब प्राइस में 10-12 हज़ार के प्राइस में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ोन है, बट इस प्राइस में और भी काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं, उनमें आपको थोड़ा ये लुक देखने में नहीं मिलेगा जो कि इसमें देखने को मिल रहा है, बट वो फ़ोन्स काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं, और ये फ़ोन्स भी काफ़ी ठीक है, और यहाँ पर एकदम बड़ी सी इन्होंने फ्लैश पीछे दी गई है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो सबको कुछ भी नॉलेज मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।